अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज की मार्केट की बात की जाए तो आज की मार्केट 410 पॉइंट के साथ इंडेक्स 42,140 की सतह पर बंद रहा। जब वॉल्यूम्स की बात की जाए तो कैसे 100 इंडेक्स में लाजवाब वॉल्यूम लगे, कैसे 100 में तकरीबन 130 मिलियन के करीब वॉल्यूम लगे, या कैसे ऑल शेयर में 281 मिलियन के वॉल्यूम लगे जिनकी वैल्यू 9 बिलियन बनती है। तो नो डाउट आज हमने वॉल्यूम्स में भी एक अच्छा इजाफा देखा, मार्केट ने एक अच्छा गेन किया, जिसकी जो वजह थी वो ये थी कि कई खबरें गर्दिश में थी जिनमें सर फहरिस्त FATF की थी कि हम FATF में काफ़ी हद तक जो ये एक अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि अब हम इंशाल्लाह इस बार FATF की जो ग्रे लिस्ट है उससे निकलकर हम वाइट लिस्ट में आ जाएंगे, जिसका टोटल इम्पैक्ट हमारी मार्केट में भी इस तरह से आएगा कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा हमारी मार्केट में, जहां पे हमारी ये एक इकनॉमी के लिए भी एक अच्छी बात है। तो ये एक काफ़ी मुस्बत खबर रही कैसी 100 इंडेक्स के लिए। और हमने ये देखा मार्केट का आगाज़ ही पॉजिटिव हुआ, और जो रेजिस्टेंस लेवल दिए थे हमने आपको वो भी मार्केट ने ब्रेक किए, और फिर मार्केट ने बेहतरीन तेज़ी की, जहां आपको जितने कई स्टॉक्स बताए गए थे स्विंग ट्रेडिंग के लिए, जैसे आपको खासकर PRL बताया जा रहा था काफ़ी टाइम से, जब ये 17 के नीचे भी आया था, और हमने देखा आज PRL ने 18 रुपये 10-15 पैसे का हाई मारा जो कि अच्छा रहा। जैसे सिटी फार्मा का आपको बताया जा रहा था बाय ऑन डिप, आपको खासकर सीमेंट सेक्टर का बताया गया था हाई साइड पे बेचकर वापसी डिप पे हम लोग को खरीदना चाहिए, ये हमने देखा कि उसी तरीके से ही परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिली। जहाँ पे अब भी कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं, जैसे कि डॉलर कंटिन्यूसली राइज पे है, वर्ल्ड मार्केट में एक प्रेशर देखने को मिल रहा है। कल हमने देखा कि जो कि नास्डैक है अमेरिका की मार्केट, वो अराउंड 4% के करीब नेगेटिव बंद रही थी, अराउंड तकरीबन आप समझ लीजिए 4.08%। और इसी के साथ अभी तो बात की जाए तो अभी तो फ्यूचर्स 117 पॉइंट ऑल दो पॉजिटिव है, लेकिन हम ये देखेंगे जब खुलेगी मार्केट 6:30 बजे तो फिर क्या इंपैक्ट होगा। ओवरऑल ऑयल की भी बात की जाए तो 117 डॉलर पे ऑयल ट्रेड कर रहा है, जहाँ पर हम ये देख रहे हैं मुसलसल जो आपका डॉलर है वो कंटिन्यूसली एक राइज पे है। हमने देखा डॉलर ने रिकॉर्ड हाई पे चल रहा है, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। इंडिया की मार्केट की भी बात की जाए तो 135 पॉइंट नेगेटिव बन रही। तो वर्ल्ड वाइड एक रिसेशन की जो एक डर है, खौफ है, वो बढ़ा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जा रहे हैं, हर जगह इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जा रहे हैं, जो कि ग्रोथ वाली कंपनियों के लिए एक काफ़ी नेगेटिव होता है, ऑल्दो वैल्यूड कंपनीज उससे काफ़ी हद तक फाइट कर लेते हैं। मज़ीद आप देख सकते हैं आज का पॉइंट कंट्रीब्यूटर, तो मारी पेट्रोलियम हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर रहा मार्केट, हमने देखा तक 690 पॉइंट तकरीबन 700 पॉइंट का करीब गई, लेकिन बंद 400 पॉइंट तकरीबन 300 पॉइंट 290 पॉइंट मार्केट ने हाई साइड से कनेक्ट किया है। उनमें मारी पेट्रोलियम अभी 400 पॉइंट में, मारी पेट्रोलियम PPL एंग्रो पॉजिटिव रहे, PSO UBL BAHL POL OGDC हबको APCL और मज़ीद आप देख सकते हैं। जहाँ सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी FFC फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी की वजह से फैली रही, जो कि हम देख रहे थे पहले जो इंडेक्स को सपोर्ट कर रही थी, हम देख रहे थे FFC मार्केट को प्लस करे जा रही थी, और आज मार्केट में दूसरे सेक्टर्स में पॉजिटिविटी आई और आज FFC जैसे गिर गया, और बाकी काफ़ी नेगेटिव TRG आज नेगेटिव बंद रहा, EFERT हो गया, डॉलमेन सिटी रेट सर्विस, तो काफ़ी मुख्तलिफ ये आप शेयर्स देख सकते हैं। सबसे जो आज अच्छी चीज़ रही आज के सेशन के हवाले से, वो इंडेक्स ने जो वीकली बेसिस है उन वीकली बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने एक पॉजिटिव क्लोज दे दिया, जो कि बहुत ही मुस्बत चीज़ रही आज इंडेक्स के लिए। या टॉप एक्टिव स्टॉक्स में सिनर्जी रहा, बहुत बेहतरीन परफॉर्म करता रहा, रिफाइनरी सेक्टर टोटल आज अच्छा परफॉर्म करता रहा, हम नेटवर्क बहुत अच्छा परफॉर्म करता रहा, PRL ओबॉय का राइट शेयर में हाई साइड से काफ़ी प्रॉफिट टेकिंग आई, जहाँ TPLP हाई साइड पे हाई साइड से इसमें भी प्रॉफिट टेकिंग आई, यूनिटी भी अच्छा परफॉर्म करता रहा, मेपल लीव BGL वन सेकेंड परफॉर्मेंस में आ चुका है, WTL की बात की जाए WTL में स्लाइड परफॉर्मेंस रही, जहाँ पाक इलेक्ट्रॉन की भी आपको काफ़ी टाइम से बाई कॉलेज दी जा रही थी, आज इसमें भी अच्छी परफॉर्मेंस रही हम लोगों को देखने को मिली। तो ये तो कुछ हो गया ओवरव्यू, अब हम थोड़ा चलते हैं टेक्निकली, देखेंगे टेक्निकली अब इंडेक्स में क्या मूव बन सकती है। सबसे पहले अगर आप डेली टाइम फ्रेम देखें तो आज एक बहुत ही बेहतरीन वॉल्यूम के साथ इंडेक्स की क्लोजिंग रही, ऑल दो हाई साइड से थोड़ी हम लोगों को प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली, लेकिन इंडेक्स ने ये जो चार ग्रीन कैंडल्स बनाने में कामयाब रहा। वीकली टाइम फ्रेम की आज क्लोजिंग थी, हम सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम को एनालाइज करेंगे, तो वीकली टाइम फ्रेम आपको जैसे बताया गया कि पॉजिटिव बन रहा वीकली,
के हिसाब से मार्केट पॉजिटिव बन रही है, और अब जो वीकली टाइम फ्रेम में ये जो हम लोग एक चीज़ देखती है वो एक रिकवरी की उम्मीद दिखती है हमें। जो मार्केट ने करेक्शन ली थी बेसिकली 47,000 के करीब से, 47,000 के इंडेक्स ने जब करेक्शन ली थी अराउंड, इंडेक्स जब 40,600 तक आया, अब उसके अगेंस्ट अब ऐसा लगता है कि इंडेक्स एक रिकवरी का फेज बनाने के लिए तैयारी कर रहा है, जिसके लिए सबसे पहला रेजिस्टेंस एरिया जो रहेगा वो आज ही का हाई रहेगा। और इससे अब इंडेक्स के पास जो अब नेक्स्ट न्यू लेवल्स निकल के आएंगे जो कि रिकवरी के चांसेस बन सकते हैं, या जो के लेवल्स अगले वीक या आने वाले हफ्तों के लिए वॉच आउट करने चाहिए, वो बेसिकली लेवल्स है पहला 43,074 का लेवल, फिर 43,827 तकरीबन 800, और फिर आखिरी लेवल 44,500 के लेवल्स आगे आने वाले हफ्तों के लिए देखे जा सकते हैं अगर इंडेक्स आज का हाई ब्रेक कर दे। ठीक है, अब इंडेक्स अब ये लो अगर ब्रेक नहीं करता जो इंडेक्स ने अब अपना बना लिया है, तो हम उम्मीद ये कर सकते हैं कि इंडेक्स थोड़ा स्विंग ट्रेडिंग में अच्छा परफॉर्म कर ले, क्योंकि हम मजीद अगर आगे चलेंगे तो कल जैसा आपको बताया गया था कि इंडेक्स ने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया जो कि एक पॉजिटिव खबर है, पॉजिटिव एक इम्पैक्ट दे सकता है। तो हमने देखा कि अब इंडेक्स ने अपना जो प्रीवियस हाई था स्विंग हाई उसको ब्रेक किया है, जो कि काफ़ी हद तक स्विंग ट्रेडिंग में मार्केट के ट्रेंड को पॉजिटिव कर देता है काफ़ी हद तक। लेकिन अभी हम आगे आएंगे उसके अलावा, लेकिन अभी हम आ जाते हैं सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम में। तो डेली टाइम फ्रेम तक हम लोगों को समझ में आ गया, अब आ जाता है आवर्ली टाइम फ्रेम में। अब थोड़ा इंडेक्स का सिनेरियो को समझते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर को समझते हैं। देखिए मार्केट का जो ट्रेंड था वो डाउन ट्रेंड था, वो क्यों था कि इंडेक्स न्यू लोज बना रही थी, इंडेक्स न्यू लोज हमें बनाते हुए दिखाई दे रही थी। अब इंडेक्स ने क्या किया कि ये हाई था उसको फिलहाल के लिए ब्रेकआउट दे दिया उस हाई का, जो कि काफ़ी हद तक एक पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन अब भी देखिए अभी भी बहुत हम लोग देखिए मैं आप लोगों को बिल्कुल सही तरीके से समझाऊंगा, क्योंकि देखिए पिछली बार भी हमने यही देखा था प्रीवियसली जो 43,000 का लेवल था, 43,000 का बाद जब इंडेक्स ने एक लो ले प्रीवियस लो को तो ब्रेक किया, जैसे इस बार मार्केट ने 41,000 का जब लो लगाया तो 41,000 को तो ब्रेक किया। लेकिन जब इंडेक्स ने रिकवरी ली, एक नॉन स्टॉप रिकवरी ली, और जो 43,000 जो प्रीवियस हाई था उसको ब्रेक किया, और वो भी फ्राइडे का ही दिन था। ठीक है, वो भी फ्राइडे का ही दिन था, और उस दिन पर इंडेक्स ने क्या किया एक करेक्शन ली, जैसे हम लोगों को ये दिखा आज इंडेक्स ने सेकेंड हाफ में थोड़ी करेक्शन ली। मैं ये सब आप लोगों को क्लियर करना चाहूँ कि ये सब पहले का ही सिनेरियो है, और तो प्रीवियस हाई भी ब्रेक किया, प्रीवियस लो भी ब्रेक किया, जो कि अभी भी यही किया, प्रीवियस हाई भी ब्रेक किया, प्रीवियस लो भी ब्रेक किया, और उसके बाद इंडेक्स ने वापसी डाउनसाइड का सफर शुरू कर दिया। अभी के लिए हमारा रेजिस्टेंस लेवल भी है तो जो कि यही हाई रहेगा 42,400, ये ब्रेक होता है तो हमारे जो शॉर्ट टर्म के टारगेट्स आएंगे उसके ऊपर हम आते हैं। लेकिन पहले ये देखते हैं इंडेक्स ने अब करेक्शन किस जगह से लिया, किस जगह से अब इंडेक्स में करेक्शन आई है आज। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इंडेक्स की करेक्शन कहाँ से आई है। अब हम सबसे पहले फिबोनाची लगाएंगे, फिबोनाची देखिए अगर तो ये जो हाई लगा था 43,554 के करीब ये, अब आप यहाँ से अगर फिबोनाची लगाए तो ये 61% का रेशियो तकरीबन ये 42,400 की सतह से आता है, जो कि इंडेक्स ने आज ब्रेक करा है। ठीक है, इसके ब्रेक करने के साथ साथ अभी हम और भी आते हैं, पहले मैं आपको RSI भी दिखा दूँ, वो भी ओवर बॉट पोजिशन पर आ गया है। ठीक है, आ चुका है। अब आपने क्या चीज़ें देखनी है कि देखिए इंडेक्स ऑलरेडी आप देखेंगे इंडेक्स तो इंडेक्स अब ऑलरेडी एक गोल्डन रेशो पे है। अब गोल्डन रेशो डिसाइड करेगा, अब ये अगर मार्केट 42,400 आज का जो हाई लगा उसे ब्रेक करेगी तो मार्केट को इधर पहले तो 42,700 चेस करते हुए देखेंगे, उसके बाद 43,000, ठीक है वो आएंगे आगे लेवल, और उसके बाद अल्टीमेटली 43,500 जो कि आपको लेवल्स दिए गए हैं। अब अभी जो आपके लिए स्टॉप लॉस लेवल आएगा, अब देखिए अब आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी, मार्केट ने क्या किया है लो साइड से। ठीक है, लो साइड से 40,600 का जो हाई मारता उससे मार्केट ने 1700 पॉइंट गेन किया, 4% की तेज़ी की है। उसके बीच में ऐसे सच कोई मार्केट ने करेक्शन नहीं लिया। ठीक है, मैं मार्केट का अगर ट्रेंड अप ट्रेंड भी हो ना बल्ले, लेकिन मार्केट ने जो राइज किया उसके आगे थोड़ी एडजस्टमेंट ज़रूर लेगा, थोड़ी एडजस्टमेंट लेगा, जिसके जो डाउन साइड के लेवल अब पहला आपका आ जाएगा सपोर्ट लेवल स्ट्रॉन्ग 42,000। ठीक है, अभी दो लेवल्स आपके पास आ गए हैं, पहला जो लेवल है वो आज का हाई है 43,400, दूसरा लेवल 42,000। मार्केट 42,000 के नीचे ट्रेड करें या उसके नीचे सस्टेन करें तो पॉसिबली होगा जो नेक्स्ट लेवल्स आपके पास आ सकते हैं वो होगा 41,750, दूसरा 41,000 अराउंड 500 करीब है एक लेवल 550-500, और जो अल्टीमेट लेवल होगा 41,300-350। ये आपके लिए लेवल जाएंगे जो कि
फिबोनाची के ये बेसिकली नंबर्स हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, तो ये वो लेवल्स हैं। प्राइस एक्शन के हिसाब से भी आप देखें 550 याद करें पहले मार्केट से रेजिस्टेंस ले चुकी है, 41,300 से भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों ले चुकी है, 41,750 से भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ले चुकी है मार्केट। तो अब ये कुछ सिनेरियो बताएं, अल्लाह ना करे 42,000 का लेवल ब्रेक हो तो अब ये लेवल नीचे आएंगे 41,750, 41,554 और 41,332, जहाँ पे बेस्ट एक्यूमलेटिंग जोन 41,500 से 41,300 रह सकते हैं, जहाँ 41,750 में भी एक बहुत पोटेंशियल है। तो 750 के बाद जैसे आपने कुछ बाइंग कर ली, नीचे बाइंग कर ली, जहाँ अगर इंडेक्स अभी फौरी तौर पर अपना हाई ब्रेक कर दे जो इंडेक्स अभी लगाया है, तो फिर जो इंडेक्स अगले रेजिस्टेंस लेवल्स है वो रहेंगे। तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल पहला 42,550-600 पे 750, 42,750 से 900 का बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है इधर मार्केट, 750 से 900 का एरिया स्ट्रॉन्ग है, फिर 43,130 का लेवल आ जाएगा और फिर 43,500 के अल्टीमेट लेवल्स आप लोग के दिए गए हैं हाई साइड के लिए। अभी के न्यूज़ जो चल रही है FATF, हमारी मार्केट में अक्सर ये होता है बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़, तो देखते हैं न्यूज़ आने के बाद क्या रिएक्शन होगा। वो अभी तक बात की जाए तो आवर्ली टाइम फ्रेम में मार्केट ओवरबॉट जोन के अंदर है, थोड़ी मार्केट में जैसे पग बता दी किधर से पॉजिटिविटी दिख रही है किधर से नेगेटिविटी दिख रही है, आपको पूरा सिनेरियो समझा दिया गया मार्केट का। तो बाय ऑन डिप्स करनी चाहिए नो डाउट, मार्केट अगर यहाँ से 500 पॉइंट करेक्ट हो जाए 400 से 600 पॉइंट तो फिर एक्यूमुलेशन करनी चाहिए जो आपको लेवल्स दिए गए उसके मुताबिक। तो 42,000 का लेवल टूटेगा अल्लाह ना करे तो फिर क्या 41,750, 41,500, 41,300 आ जाएगा, अगर आज का हाई टूटेगा तो तकरीबन 42,600 से लेकर 900 का जो रेंज है उधर तक मार्केट में थोड़ी मूवमेंट दिख सकती है हम लोगों को। तो ये हो गया ओवरऑल फीचर्स, ओवरऑल मार्केट थोड़ी ओवरबॉट जोन में है जिधर स्टॉप लॉस के साथ ही काम करना चाहिए, जहाँ पे डिप्स पे एक्यूमुलेशन करनी चाहिए हमें। कमेंट्स पे चलते हैं, सबसे पहला कमेंट एरम सगीर का, वो कह रही हैं हमजा टेल मी अबाउट पेल बाइंग लेवल्स, योर लेवल्स फॉर एवरी स्क्रिप्ट इज़ वेरी एक्यूरेट, माशाल्लाह कीप इट अप, थैंक यू वेरी मच इरम सगीर। पहल का मैंने पहले भी शायद 2-4 दिन पहले ही शायद इसकी मैंने कॉल दी थी बाय कॉल। अभी देखिए पहल के पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है फेस करने को, जो कि है तकरीबन 16 रुपये 20 पैसे का प्राइस एक्शन एक स्ट्रॉन्ग लेवल आ रहा है, 16 रुपये 20 पैसे, 16 रुपये का जो लेवल है, 16 रुपये जो इसका आज का हाई लगा है उसको ब्रेक करता है अगर, तो फिर इसके नेक्स्ट लेवल आएंगे 16.5, 17 और 17.5 के लेवल जाएंगे। अभी जो इसकी लेवल है जहाँ पे आपको अच्छी बाई मिल सकती है वो लेवल बनेगा अराउंड अभी 16.10 पे बन रहे हैं, तो 15.70 के करीब, 15.70, 15.80, 15.85 ये लेवल आपको मिलेगा बाइंग के लिए, इंट्रा डे कह सकती है, इंट्रा डे आप लोग को इधर मिल सकता है इन लेवल्स के ऊपर। नेक्स्ट कमेंट है परवशा चौहान का, वो कह रही है वेरी इंफॉर्मेटिव, स्टे ब्लेस्ड आमीन कीप इट अप, थैंक यू वेरी मच परवशा चौहान। नेक्स्ट है दिलबर मेरानी कह रहे हैं वेरी यूजफुल एज यूजुअल, प्लीज एनालाइज ASL का आपको एक चार्ट बनाकर दिया हुआ था, अभी तक मेरे पास देखे सेफ पड़ा हुआ है ये चार्ट, इसमें आपको एक रेजिस्टेंस आपको एक बताया गया था, ये बार बार इसी लेवल से रेजिस्ट हो रहा है, आपको पता है अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करेगा तो इसके पास एक लेवल आएगा 15 रुपये 55 पैसे जो प्रीवियस हाई था, ये वही लेवल से मैंने चार्ट में कोई भी चेंजेस नहीं किया, उसके बाद इसमें आप समझ लीजिए मैंने इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया। अब आज हमने देखा ये उसी लेवल से रिजेक्ट हुआ है, हमारे जो गिवन टारगेट था गिवन लेवल था। अब देखिए इसमें कुछ आपने समझ, इसमें थोड़ा जिस तरीके से काम करना है वो ये है कि अब इसने एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया डेली टाइम फ्रेम पे, अब ये 12.55 रुपये के ऊपर सस्टेन करता है तो मेरे नज़दीक इसमें एक पॉजिटिविटी रह सकती है, क्योंकि अभी ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है, आपको मैं यहाँ से यहाँ तक दिखाऊंगा ना अगर ये, तो एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, तो इस लेवल पे से वॉच आउट करना चाहिए, इस लेवल को ब्रेकआउट करे तो मेरे हिसाब से इसके लिए एक काफ़ी पॉजिटिव चीज़ हो सकती है। और फिर जो एक रेजिस्टेंस आएगी वो 13.20 से 24.25 पैसे होगी, और उसके बाद जो अल्टीमेट टारगेट बना सकते हैं वो 14 रुपये का भी बन सकता है, और 14 रुपये के ऊपर सस्टेन करने पर हम इसमें मज़ीद टारगेट्स भी आगे इन द नियर फ्यूचर ले पाएंगे, जहाँ अच्छी बेहतरी जो होगी ना वो इसमें 14 रुपये के ऊपर आपको दिखेगी, 14 रुपये के ऊपर इसमें कॉन्फिडेंस मेरे नज़दीक हम इसमें गेन करता हुआ देखेंगे और इसमें एक बिग रिकवरी देख सकेंगे। सपोर्ट लेवल्स को भी डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इसे आर्ली टाइम फ्रेम में देखें तो ये ओवरबॉट जोन में दाखिल हो ही चुका है, इसके सपोर्ट लेवल जो रहेंगे
पहला लेवल होगा 12 रुपये, दूसरा होगा 11.5 जैसे 11.5 से लेकर 11.70 11.80 एक बेहतरीन एक्यूमुलेशन एरिया रहेगा, जिधर अगर इसका स्टॉप लॉस 11 रुपये के नीचे, अब ये 11 रुपये का अगर लेवल ब्रेक नहीं करता वो उम्मीद कर सकते हम इसमें एक अच्छी बेहतरी हाई साइड की तरफ देखें। नेक्स्ट कमेंट उजमा खुर्शीद, वो कह रही है वेरी इंप्रेसिव, थैंक यू वेरी मच, ऐसा ना लग कह रहे एक्सेलेंट वीडियो, थैंक यू वेरी मच। होमी कह रहे हैं लॉट कैम कल बाय कॉल है, थैंक्स। लॉट कैम का मेरे हिसाब से आपको मैंने डिस्कस करके पहले कल की वीडियो में बता ही दिया था। एफ जी प्रिंस कह रहे हैं वेरी नाइस एंड लॉजिकल एनालिसिस एज यूजुअल, काइंडली गिव डीप एनालिसिस ऑफ एच टी एल एंड जीरो लेवल ऑफ दिस स्टॉक, बेस्ट रिगार्ड्स। देखिए एच टी एल इज ऑन इट्स गोल्डन लेवल या जीरो लेवल कह सकते हैं, यहाँ पे बेस्ट ऑप्टिमल बाइंग लेवल भी कहा जा सकता है इसको। ये जो लेवल है ये ऑप्टिमल बाइंग लेवल है मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से, 82 से जो इसने हाई लगाया था और लो से 13 रुपये का लगाया, तो अब ये ऑप्टिमल बाइंग लेवल पे आ चुका है। जो 48 से लेकर जो 39.81 का लेवल समझ लीजिए मंथली टाइम फ्रेम में, एक बिग लेवल जिधर बिग एक्यूमुलेशन या बिग रेजिस्टेंस का इसे सामना मिलेगा। 48 के पास बहुत लिक्विडिटी इसको मिल सकती है, 39.81 के पास, तो मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से तो एक अच्छे लेवल पे है। इसका गोल्डन लेवल इसलिए भी नहीं, मैं इसका अल्फाज यूज़ करूँगा, जीरो लेवल नहीं कहूँगा, गोल्डन लेवल कहूँगा, क्योंकि ये था एक डाउन ट्रेंड में ओवरऑल स्टॉक है, ठीक है, इसलिए मैं इसका गोल्डन लेवल कहूँगा। अगर ये 39.81 के नीचे मंथली का टाइम फ्रेम कब एंड होगा, इस मंथ के एंड में रहेगा तो नेगेटिव हो सकता है, वरना ये लेवल बहुत अच्छे लेवल है इसका एक्यूमुलेट करने पर। मजीद अगर हम इसकी थोड़ी मैं आपको इसका दिखाऊँ तो अब देखें इसके अंदर जो बेसिकली डाउन ट्रेंड था उसमें वीकनेस दिख रही है, ये जो लोअर लोज अब मार रहा है वो अब इसमें जो मार्जिन है ना वो कम हो गया है, इसका मार्जिन कम हो गया है, ये बिल्कुल ही एक एक्यूमुलेशन के फेज़ में है, एक ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है, और अभी अगर इन लेवल्स के पास वापसी जाता हुआ तो दिखाई दे रहा है, ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से तो वंस अगेन जो इसका लेवल आ रहा है 47 का आ रहा है, अब ये इन लेवल्स को ब्रेक करेगा तो फिर इसके बिग लेवल्स दिखाई देते हैं वापसी, जैसे 60 के, 70, 80 इसके लेवल भी दिखाई देते हैं। डेली टाइम फ्रेम में भी अगर हम इसे देखें बहुत ही अच्छी तरीके से एक एक्यूमुलेट होता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत ही अच्छी तरीके से इसका बिग लेवल जो है ना ये 50 ये ब्रेक करेगा, इसमें बहुत बड़ी बेहतरी हम देख सकते हैं। और अब वंस अगेन अब ऐसा भी लगता है हम इसमें भी एक रिकवरी देखेंगे और इन द नियर फ्यूचर बेहतरी देख पाएंगे, अगर अब ये 39 या 35 को अब अपना बेस बना ले, बॉटम बना ले, तो यहाँ से बॉटम आउट होता हुआ नजर आता है। जो शॉर्ट टर्म इसका रेजिस्टेंस लेवल 42 है, इसके ब्रेक होने पे 40.8 है पहले और फिर जो है वो 42 के पास आएगा, इसके ब्रेक होने पे हम इसको इवन टारगेट कर सकते हैं, आप समझ लीजिए तकरीबन इसके पहले मैं ये लेवल लगा दूँ 42 से ये 44 की रेंज है, इसके ब्रेकआउट बाद हम इसमें एक टारगेट बना सकते हैं आराम से, मेरे हिसाब से 46 से 48 का। तो ये हो गए एस टी एल का काफ़ी डीप एनालिसिस, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती वरना इसके ऊपर अभी हम एक पूरा सेशन कर सकते थे। काशिफ अली नुटकानी कह रहे हैं योर एनालिसिस आर इम्प्रेसिव, प्लीज एनालाइज अबाउट APL। APL का भी सारी मतलब रिजल्ट आने वाला है, इसमें भी उम्मीद ये की जा रही है, एक्सपेक्टेशन मैं नहीं कह रहा 100%, लेकिन एक थोड़ी उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बार बोनस देने के चांसेस है, आवाज़ें आ रही है बोनसेस की, मेरा इसमें मेरा कोई रिसर्च नहीं है, मेरी एक्ट्रीस नहीं है, जहाँ से जो मुझे नॉलेज मिली है वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए APL एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉक है, APL की आपको मैं हिस्ट्री दिखाऊँ तो ये काफ़ी टाइम से मैंने इसके ऊपर एक काफ़ी डिटेल में एक वक्त में एनालाइज की थी, ये काफ़ी टाइम से एक बहुत बड़े से एक रेंज बाउंड सेशन है, कब से है ये 2020 से एक ही रेंज बाउंड सेशन है इसका, ये जो होता है ना 300, तो इसमें क्या होता है कि अगर आपको इसके लिए जब ये ऐसी सिचुएशन में आ जाता है ना इसमें क्या कि 310 या 280 से 50 के 280 तक मिल जाए, 310 से 280 लेकर 20-30 रुपये इसमें इजीली कमा सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के अंदर, क्योंकि वही बात है एक थोड़ा ये कम लिक्विड वाला स्टॉक है, आज इसमें हमें एक अच्छे खैर वो लगते हुए देखने को मिले वॉल्यूम। देखिए अभी APL का क्या सीन है, देखें मेरे पास डेली टाइम फ्रेम है तो ये इस लेवल से बार बार सपोर्ट ले रहा है, ये जो रेंज है ना तकरीबन बनती है 295 से लेकर 283 बार बार सपोर्ट ले रहा है और बार बार इन लेवल्स पे आ रहा है 330। अभी इसका जो पहला लेवल है 320, इसके रेजिस्टेंस बाद 325 और फिर 331, यही इसके लिए रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे रिस्पेक्टिवली, 316 पे है अभी और उसके बाद जो अल्टीमेट लेवल होगा वो 360 का होगा, इसका ब्रेकआउट 360 का ब्रेकआउट मेरे नज़दीक इसमें एक बेहतरी ला सकता है, फिर नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस लेवल वो 400 और 400 के बाद तो एक बड़ा टारगेट देखने को मिलता है।
फिलहाल रेंज बाउंड है, जैसे अगर आपको 300 के अंदर अंदर मिले लेकर 315 से लेकर 330 के दरमियान में बेचें, ये एक अच्छा लेवल रहेगा इसके लिए। नेक्स्ट अदनान हसन कह रहे हैं, मार्वेलस एक्सट्रीमली हेल्पफुल एनालिसिस, काइंडली गिव एन एलैबोरेट रिव्यू ऑन नेट सॉल्व। देखिए नेट सॉल्व की भी वही बात है, ये वो कुछ ऐसे स्टॉक होंगे जो अपने लोज बनाना बंद कर चुके हैं। नेट सॉल्व को हम देखें तो ये अपना लो तकरीबन जो दिसंबर गुजरा था 14 दिसंबर, उसके बाद से अपना लो बनाना बंद कर दिया इसने, न्यू लोज ये दे ही नहीं रहा ये स्टॉक। इसका मतलब ये कि अभी अगर आप समझ लीजिए 110 या 109 का ये जो लेवल है इसके ऊपर ब्रेक और सस्टेन करेगा तो हम मेरे नज़दीक तो ये आपको पता है कितना टारगेट दे सकता है, मेरा तो ह्यूज टारगेट हो सकता है, मेरे नज़दीक तो 162 से लेकर 215 तक भी मूवमेंट दे सकता है। ये लेवल्स मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, रिसर्च करके ही दे रहा हूँ। बहरहाल अभी ये जो है ना ये एक कंसोलिडेशन फेज के अंदर है, यहाँ आ रहा है बार बार, आप देखिए 80 के पास आ रहे, उठ रहा है 100 के 110, फिर नीचे आ रहा है, फिर 110, फिर नीचे। अब हो सकता है इसी अगर इसी ट्रेंड को कंटिन्यू करे, इसी साइकिल को कंटिन्यू करे, वापसी 110 पे आएगा, फिर आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए 105 या 107 के पास, अगर उसको ब्रेक करता है आप बेच कर फिर वापसी 80 के पास या 90 के पास खरीद लीजिए, फिर 110 पे बेचें, इसी तरीके से करो। जैसे ही 110 का ब्रेकआउट दे देगा तो फिर इसका जो टारगेट बनेंगे 130 पहले आएगा और फिर 170 और फिर आते रहेंगे मेरे जो आपको लेवल्स बता दिए गए हैं। नेक्स्ट कॉमेंट है फातिमा अजमल का, वो कह रही हैं गुड वर्क हमजा, थैंक यू वेरी मच। लियाकत अली कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम हमजा भाई, प्लीज़ एडवाइस टू परचेज ऑफ MTL एंड SNGP फॉर इन्वेस्ट। MTL की बात की जाए तो खासकर ये जो गवर्नमेंट ने बेसिकली MTL के ऊपर ये जो सेल्स टैक्स जो ट्रैक्टर बेचे उस पर सबसे सेल्स टैक्स हटाया है तो इसमें हम एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखेंगे बेसिकली कंपनी के ऊपर मंथली। मैंने देखिए क्या है मेरे नज़दीक अभी तो ये क्यों इतना ओवरबॉट हो चुका था, डेली टाइम फ्रेम भी हाई साइड से चलता गया तक और इसने एक जो हाई लगाया है तो डेली टाइम फ्रेम काफ़ी हद तक ये ओवरबॉट जोन में था, अभी भी है बेसिकली। अभी अगर बात की जाए MTL तो वंस अगेन ये 800 की लेवल को वापसी सिक्योर करने में कामयाब हो गया, 900 के करीब आ चुका है, मेरे नज़दीक ये थोड़ा हाई रेट है लेकिन कंपनी बहुत अच्छी है इन्वेस्टमेंट पर्पस है इसके लिए। डिप्स पे मेरे नज़दीक इसको कुछ कुछ उठाना चाहिए, अभी कंपनी डिसाइड अभी कंपनी ने जो अपना जो ऑथोराइज कैपिटल है उसको भी बढ़ाया है तो अभी उसका भी चेक करना पड़ेगा, इसकी जो मीटिंग है तो अब कंपनी नए शेयर्स राइट इशू करती है बोनस देती है उसके बाद ही थोड़ा थोड़ा आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, एकदम से नहीं करनी चाहिए। SNGP को अब दूसरी कंपनी भी देख सकते हैं, जैसे SNGP ज़रूरी नहीं है, जैसे दूसरी कंपनी है OGDC हो गई, जैसे आपकी फर्टिलाइज़र सेक्टर हो गया, FFC हो गया, EFERT हो गया। पहले देखिए अभी अभी टेक्निकली बात की जाए SNGP की तो वो एक हाईली डिस्काउंटेड शेयर है, हमने देखा इसने एक जो हाई मार था 57-58 का उसके बाद ये कंटिन्यूसली डिक्रीज में, उसके अगेंस्ट इसने अब तक कोई रिकवरी शो नहीं की है। तो पहला लेवल वो 37 रुपये का लेवल, आप देखेंगे पहले भी इस तरह से बहुत बार स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले चुका है, इसको ब्रेकआउट करेगा तो ही हम फिर आगे 41 से 45 की मूव देख पाएंगे, जहाँ 45 के बाद हम 50-55 के भी लेवल्स चेस कर सकते हैं। फिलहाल अभी इसकी बात की जाए, मैं इसे जूम थोड़ा कर लूँ तो अभी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल पर आया हुआ है जहाँ एक हायर हाई का तसलसल जारी है इसके अंदर। मैं इसे आपको आवर्ली टाइम फ्रेम में अगर दिखाऊँ तो आप देखेंगे ये हायर हाई का ही सिलसिला जा रहा है, तो अगर आप कोई करेक्शन मिलती है जैसे 30 रुपये के पास अगर आपको पहले ये मिलता है तो आप शॉर्ट टर्म में भी एक ट्रेड बना सकते हैं, टारगेट आप आराम से अपना 31-32 के करीब बना सकते हैं। जब अभी इसके रेजिस्टेंस लेवल इसी का हाई रहेगा उसको ब्रेक करेगा, ये मजीद हाई साइड पर हम लोग को जाते हुए दिखाई देगा, तकरीबन इसका फिर टारगेट बनेगा 35 से लेकर 38 का। मैं SNGP को लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंड नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं कर सकता, ओवरऑल तो ये काफ़ी ही एक डिस्काउंटेड शेयर है। मैं आप अगर अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं तो मैं रखिए ज़रूर, लेकिन एक बहुत ही हैवी अमाउंट नहीं रखिए, बहुत ज़्यादा एक हैवी अमाउंट नहीं रखिए, क्योंकि पहले हमने क्या देखा था कि इसने तकरीबन 2008 से आप देखें तो उसने 2016 तक तकरीबन 8 साल एक छोटी सी रेंज में किया है और उसके बाद इसने एक अगेंस्ट एक बहुत बड़ा एक मूव दिखाया, अब वापसी गिर गया, अब हम ये नहीं जानते कब तक अपना डाउन को उतना खींच के रखेगा वापसी, अल्लाह ना करे 8 साल, ठीक है। और तो अभी ये ओवरऑल तो आप देखेंगे तो डिस्काउंटेड शेयर 180 के से गिरा हुआ, तो यूं तो आप इसमें 80 ले 100 ले 120 ले, लेकिन कब ये चलेगा वो उसका गारंटी नहीं है, क्योंकि तो पहले ही चला हुआ शेयर था उसके अगेंस्ट उसने रिकवरी नहीं ली तो अभी 8 साल बाद ये लेट चला, ठीक है। इसी के साथ काफ़ी वीडियो लंबी हो गए, आप अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, मैं हूँ हमजा वसीम PSX एनालिसिस।